हेलो बच्चों, स्वागत है आपका केवी इंस्टीट्यूट मुंडावर द्वारा संचालित यूट्यूब चैनल कर्म विद्या मंदिर पे। बच्चों, आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं कक्षा 10 विषय गणित नई एक्सरसाइज नंबर 8 की। एक्सरसाइज 8 आपकी है ऊंचाई और दूरी से संबंधित। इसमें सारे क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक की हेल्प से। तो मैं इसमें कुछ बेसिक चीज़ें आपको बता देता हूँ। जैसे सबसे पहले आपको पढ़ने को मिलेगा दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा, दिस इज साइट ऑफ लाइन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? साइट ऑफ लाइन। जब हम आँख से किसी वस्तु को देखते हैं तो आँख और वस्तु के बीच में जो सीधी रेखा खींची जाती है उसको दृष्टि रेखा कहते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे किसी व्यक्ति की आँख है, यहाँ पे कोई वस्तु है। इस वस्तु को जब आँख से देखेंगे तो दोनों को मिलाने वाली ये रेखा दृष्टि रेखा कहलाएगी। क्या कहलाएगी? दृष्टि रेखा। ओके, समझ में आया? साइट ऑफ लाइन, किसी भी वस्तु को जब देखें तो आंख और वस्तु के बीच की सीधी रेखा दृष्टि रेखा कहलाती है। सेकंड नंबर पे आपको पढ़ने को मिलेगा उन्नयन कोण। उन्नयन कोण, जब हम किसी वस्तु को देखते हैं जो आंख से ऊपर रखी हुई हो तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज लाइन के बीच बनने वाला कोण उन्नयन कोण कहलाता है। ऐसी वस्तु जो आंख से ऊपर रखी हुई है तो, जैसे देखिए ये आंख है इधर, यहां पे कोई वस्तु है, इस वस्तु को आंख से देखें तो दृष्टि रेखा तो ये हो गई आंख और वस्तु को मिलाने वाली रेखा, और क्षैतिज रेखा ये हो गई, ये क्षैतिज रेखा धरातल के समांतर। इन दोनों रेखाओं के बीच बनने वाला कोण उन्नयन कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? उन्नयन कोण कहलाता है। अर्थात दृष्टि रेखा और क्षैतिज के बीच बनने वाला कोण उन्नयन कोण होगा जब वस्तु आंख से ऊपर की ओर रखी हुई हो। जब हम किसी वस्तु को ऊपर की ओर देखेंगे तो ऊपर की ओर देखने पर क्षैतिज और धरातल के बीच बनने वाला कोण उन्नयन कोण कहलाता है। ठीक है, समझ आया? थर्ड नंबर पे आप पढ़ेंगे अवनमन कोण। अवनमन कोण, ठीक है, अवनमन कोण। जब वस्तु आंख के नीचे की ओर रखी हो, अर्थात हम वस्तु को नीचे की ओर देख रहे हैं, तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज के बीच बनने वाला कोण अवनमन कोण कहलाता है। यहां पे आंख है, आंखें, यहां पे वस्तु है, हम इसको नीचे की ओर देख रहे हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है, ये दृष्टि रेखा हो गई। और क्षैतिज किधर होगा? ये क्षैतिज होंगे, ये क्षैतिज हो गया। तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज के बीच में बनने वाला कोण ये अवनमन कोण है। अवनमन कोण कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो ये था इस एक्सरसाइज का बेसिक इंट्रोडक्शन। मैं इसमें कुछ और चीज़ें ऐड कर दूं। मान लो आपको कुछ वैल्यूज यूज करनी होती, जैसे रूट टू कभी काम में आ जाता है, कभी रूट थ्री काम में आएगा। तो रूट टू की वैल्यू आप लिखेंगे 1.414, रूट थ्री की वैल्यू लिखना 1.732, है ना? ठीक है, इस तरह से ये वैल्यूज आपको काम आएंगी, इनको याद कर लेना। कभी रूट टू आ जाए तो आप उसको सोल्व करने बैठोगे, इससे अच्छा है कि आप उसको याद ही कर लो। रूट टू बराबर 1.414, रूट थ्री बराबर 1.732। ठीक है, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे समझते हुए चलिए, और कॉपी पेन साथ लेके बैठा करो, क्वेश्चंस को कॉपी पेन में कॉपी में सोल्व किया करो, और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें जैसे मैंने यहाँ पे लिखी उनको कॉपी में नोट कर लिया करो, इसी से आपके अच्छे नोट्स तैयार हो जाएंगे। तो दृष्टि रेखा क्या है? जब किसी वस्तु को आँख से देखते हैं तो वस्तु और आंख के बीच की सीधी रेखा दृष्टि रेखा कहलाती है। उन्नयन कोण,
जब वस्तु आँख के ऊपर रखी हुई हो तो वस्तु को देखने पर दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बनने वाला कोण उन्नयन कोण कहलाता है। जब वस्तु आँख के नीचे की ओर रखी हो तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज के बीच बनने वाला कोण अवनमन कोण कहलाता है। ठीक है बच्चों, ओके मिटा देता हूँ इसको। एक बात और ध्यान रखना, उन्नयन कोण अवनमन कोण दोनों बराबर होते हैं। उन्नयन कोण और अवनमन कोण दोनों बराबर होते हैं क्योंकि ये एकांतर कोण होते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 8.1। इसमें एक्सरसाइज 8.1 तो है ही नहीं। इसमें आपकी एक ही एक्सरसाइज दी गई है विविध प्रश्नमाला के नाम से और उसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन आज हम सोल्व करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 8 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बुक में पढ़िए, एक ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई खंभे की ऊंचाई के बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करो। ऊर्ध्वाधर मतलब सीधा खड़ा हुआ, ये सीधा खड़ा हुआ खंभा है कोई, इस खंभे की परछाई ऊंचाई के बराबर है। तो बच्चों जब सूरज मान लो यहां पे है, ये यहां पे सूर्य है, ठीक है ये सूर्य है, तो सूर्य की परछाई जब इस पे सूर्य का प्रकाश जब इस पे पड़ेगा तो इसकी परछाई किधर बनेगी, यहां बन जाएगी, ये इसकी परछाई हो गई। मान लेते हैं इसकी जो ऊंचाई है वो h है, तो ये लंबाई भी कितनी हो जाएगी, h के बराबर हो जाएगी परछाई की, सवाल में दिया गया है। सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करो, तो बच्चों अब हम सूर्य को देखेंगे ऊपर की ओर, सूर्य यहाँ है, यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से सूर्य को ऊपर की ओर देखेंगे, मान लो सूर्य यहाँ है तो क्या होगा, उन्नयन कोण ये बनेगा ऊपर की ओर देखेंगे तो, ठीक है ये कोण हमें ज्ञात करना है। ठीक है भाई, ये कोण हमें ज्ञात करना है। तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, किसी त्रिभुज में समकोण त्रिभुज में ये 90 डिग्री है, ये थीटा कोण है, थीटा के सामने वाली भुजा लंब भुजा कहलाती है। ठीक है, 90 डिग्री के कोण के सामने वाली भुजा करण भुजा कहलाती है और शेष बची हुई भुजा आधार भुजा कहलाती है। शेष बची हुई भुजा आधार भुजा कहलाती है। ठीक है, लंब करण आधार, ओके। अब देखिए, तो यहाँ पे h लंब है और h आधार है, ये करण है। हमें tan थीटा का मान निकालना है, tan थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, लंब बटे आधार। ठीक है, तो tan थीटा बराबर लंब कितना है h, आधार भी h, बराबर 1। tan थीटा का मान 1 आया, tan थीटा का मान कितना आ गया भाई, 1 आ गया। तो tan थीटा का मान 1 कितने डिग्री पे होता है, देखो टेबल से, अब मैंने टेबल आपको सिखाई थी उस टेबल में देखो ऐसा कौन सा मान है थीटा का जिस पे tan की वैल्यू 1 हो जाती है, याद आया कुछ, sin 45 बटे cos 45, 1 बटे रूट 2 बटे 1 बटे रूट 2 कट गया 1 आता है, यानी कि 45 डिग्री पे। मैं यहाँ पर लिखूँगा, चूँकि tan 45 डिग्री बराबर होता है 1, इसीलिए थीटा बराबर आएगा 45 डिग्री आंसर। अतः उन्नयन कोण कितना हो जाएगा, ये वाला कोण 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये कोण 45 डिग्री हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1, इसका ऑप्शन ए टिक कर लेना, सही विकल्प इसमें ए के बराबर होगा। चलिए आगे सेकंड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको दिया गया है, यदि एक मीनार के पाद बिंदु से 100 मीटर की दूरी से उसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। ऐसे कोई मीनार बना लो, ये मीनार है,
दिस इज मीनार, मीनार, मीनार। इस मीनार के पाद बिंदु से ये फुट पॉइंट से 100 मीटर की दूरी पर, इससे 100 मीटर दूर, यहाँ चलो कितना मीटर, 100 मीटर दूर, ठीक है, ये हो गया। और उन्नयन कोण कितना है, यहाँ से ऊपर देखेंगे, यहाँ से इसके शिखर का उन्नयन कोण ये कितना दे रखा है, शिखर का उन्नयन कोण दे रखा है 60 डिग्री, थीटा बराबर 60 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो, ये मीनार की ऊंचाई हो गई। माना मीनार की ऊंचाई h बराबर है h मीटर, बराबर h मीटर, मीनार की ऊंचाई कितनी मान ली बच्चों, h मीटर, ठीक है। थीटा 60 डिग्री, थीटा 60 डिग्री है, तो टेन थीटा की वैल्यू ज्ञात करोगे, टेन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, लंब बटे आधार, थीटा के सामने वाली भुजा लंब, ये 90 डिग्री का कोण होगा, ये करण, ये आधार, तो थीटा बराबर हो जाएगा एच बटे 100। थीटा का मान रख दो टेन 60 डिग्री बराबर एच बटे 100, ठीक है ना, एच ज्ञात करना है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, टेन 60 डिग्री गुना 100 बराबर एच, टेन 60 डिग्री का मान निकालो बच्चों, टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है, टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है, रूट 3, ऐसे लिख लो इसको ऐसे, या इसको गुणा कर देंगे, एच बराबर हो जाएगा 100 गुना रूट 3। मैंने आपको रूट 3 की वैल्यू याद करवाई 1.732, इसलिए h बराबर 1.732 गुना 100 या h बराबर आएगा 173.2 मीटर। अतः मीनार की ऊंचाई कितनी होगी बच्चों, मीनार की ऊंचाई हो जाएगी 173.2 मीटर, ऑप्शन में आपको दे रखा है 100√3 मीटर, ऑप्शन इस तरह से है, तो ये वाला आंसर सही होगा, अर्थात आंसर ए सही है, इसका भी आंसर ए सही है, ठीक है भाई। चलिए तीसरा क्वेश्चन करवाते हैं अब, क्वेश्चन नंबर 3। पंद्रह मीटर लंबी एक सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार के शिखर तक पहुंचती है, सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, दीवार की ऊंचाई ज्ञात करो। सीढ़ी है 15 मीटर लंबी जो दीवार के सारे टिकी हुई है, ऐसे सीढ़ी लगी हुई है दीवार के सहारे, तो ये दीवार हो गई, इसके सहारे ये एक सीढ़ी लगा दी जमीन पे, ये आधार हो गया। ये सीढ़ी की लंबाई आपको दी गई है 15 मीटर, ये सीढ़ी की लंबाई आपको 15 मीटर दी गई है, ठीक है, 15 मीटर दी गई है, ओके। अब पूछा कि ये कितने डिग्री का कोण बनाती है दीवार के साथ, ये सीधी दीवार के साथ, ये सीधी दीवार के साथ, दीवार के साथ तो ये वाला कोण बनेगा 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो दीवार की ऊंचाई ज्ञात करो, अर्थात ये ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। माना दीवार की ऊंचाई बराबर h मीटर, ठीक है, ओके। तो भाई ये और ये दो भुजाएं हैं आपके सामने, ये तो लंब भुजा हो गई, ये 90 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है, 90 डिग्री कोण के सामने वाली भुजा करण, और ये थीटा के सामने वाली भुजा लंब, ये आधार, करण और आधार दिए गए हैं आपको, करण और आधार के बीच में संबंध देख लो, एल ए एल के के ए, तो आधार बटे करण, ये रहा देखो आधार बटे करण क्या होगा, कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है, लिख देना यहाँ पे, चूंकि कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे करण, तो बच्चों थीटा कितना है 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री बराबर आधार, आधार कितना हो जाएगा ये h, बटे करण कितना है 15,
ठीक है। कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है भाई? कोस 60 डिग्री का मान 1/2 बराबर एच बटे 15, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, तो 15 बराबर 2h या h बराबर 15/2 या h बराबर 7.5 मीटर। तो दीवार की ऊंचाई कितनी होगी भाई? 7.5 मीटर के बराबर इसकी ऊंचाई आएगी। 15/2 मीटर आंसर आ रहा है, ये आंसर इस तरह से आपका आंसर दिया गया है 15/2, यानी कि आंसर सी सही है। हो गया क्वेश्चन भी। इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका बताएं आपको। देखो बच्चों, ये कौन 60 डिग्री था, ये कौन 90 डिग्री होगा, तो ये कितना डिग्री आएगा? 30 डिग्री आएगा, क्योंकि तीनों कोणों का योग 180 होता है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे? अब आप क्या करेंगे? थीटा दे रखा है, थीटा दे रखा है, तो देखो थीटा के सामने वाली भुजा, अब इसको थीटा मान लो, इसको क्या मान लेना? थीटा। जब इसको थीटा मान लेंगे 30 डिग्री को, इसके सामने वाली भुजा ये लंब हो जाएगी और ये करण रहेगी, तो लंब बटे करण क्या होता है? साइन थीटा। आप इसको साइन थीटा मान के भी कर सकते थे, साइन थीटा बराबर हो जाता एच बटे 15, लंब अब ये हो जाएगा, इस थीटा के लिए लंब ये रहेगा, जब आप इसको थीटा मानेंगे तो इसके लिए लंब ये रहेगा, ये वाली भुजा लंब रहेगी, जब इसको थीटा मानेंगे तो इसके सामने वाली ये भुजा लंब मानी जाएगी, ध्यान रखना। साइन थीटा, थीटा का मान कितना है? 30 डिग्री बराबर एच बटे 15। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है भाई? 1/2 बराबर एच बटे 15। ये सेम आ गया, इसके सेम आ जाएगा ऐसे, एच बटे 15 बराबर 1/2, तो आंसर वही आने वाला है। ओके ठीक, चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। 10 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से एक बिंदु का अवनमन कोण 30 डिग्री है, बिंदु की मीनार के आधार से दूरी ज्ञात करो। तो आपको एक मीनार दी गई है बच्चों, उसका उसकी जो हाइट है वो 10 मीटर है, ये मीनार है, इसकी हाइट है बच्चों ये यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर के बराबर। अब इसके शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण, यानी कि यहाँ पे कोई बिंदु है, हम इसको ऊपर से देख रहे हैं, हम अवनमन कोण कब बनता है? जब वस्तु नीचे की ओर हो, नीचे की ओर देख रहे होंगे, हम यहाँ से इसको देख रहे हैं, तो ये है अवनमन कोण, ये सॉरी इसको देख रहे हैं, तो क्षैतिज के साथ, ये क्षैतिज बन गया, ये क्षैतिज के साथ इस वस्तु का ये वाला कोण, ये है अवनमन कोण, और ये आपको कितना दिया गया है? 30 डिग्री दिया गया है। ओके 30 डिग्री दिया गया है, बिंदु की, ये बिंदु है, बिंदु की आधार से दूरी ज्ञात करो, बिंदु की आधार से दूरी ज्ञात करो, ये वाली दूरी ज्ञात करनी है बच्चों। ये 30 डिग्री कोण, तो ये क्षैतिज और ये भी क्षैतिज है, तो ये दोनों समांतर रेखाएं हो जाएंगी, ये दोनों समांतर रेखाएं, ये तिर्यक रेखा हो गई, तो ऐसे ये वाला कोण और ये वाला कोण एकांतर कोण होंगे, और एकांतर कोण बराबर होते हैं, इसलिए ये अवनमन कोण इस उन्नयन कोण के बराबर होगा, 30 डिग्री के बराबर होगा। अब आपको ये वाली दूरी ज्ञात करनी है। माना बिंदु की आधार से दूरी, बिंदु की किसके आधार से दूरी? मीनार के आधार से दूरी, बिंदु की मीनार के आधार से दूरी, बिंदु की मीनार के आधार से दूरी बराबर है x मीटर। ठीक है, थीटा कितना है? 30 डिग्री। थीटा के सामने वाली भुजा कौन सी? ये वाली 10 मीटर, ये लंब मानी जाएगी, और ये आधार, और ये कोण 90 डिग्री का रहेगा, इसके सामने वाली भुजा ये करण मानी जाएगी। तो आपको लंब भुजा पता है, आधार भुजा ज्ञात करनी है, तो लंब बटे आधार लिखना है, L A L K K A
लंब बटे आधार क्या होता है बच्चों? ये तीसरा वाला रेशियो टेन थीटा होता है। तो लंब बटे आधार आप लिखेंगे यहाँ पे तो आपको करना है टेन थीटा। किसका मान ज्ञात करना है? टेन थीटा का मान ज्ञात करना है। लिख दीजिए टेन थीटा, टेन थीटा थीटा बराबर लंब बटे आधार, थीटा 30 डिग्री के बराबर है, 30 डिग्री बराबर 10 बटे एक्स, या एक्स बराबर 10 बटे टेन 30 डिग्री, या एक्स बराबर 10 बटे टेन 30 डिग्री का मान कितना? 1/√3, 1/√3। ये रूट तीन मल्टीप्लाई हो जाएगा और मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 10√3 मीटर, 10√3 मीटर। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 10√3 मीटर। सो आंसर ए इज करेक्ट। ओके, इस तरह से इसका आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। और आगे अगर इसको सोल्व करना हो आपको तो √3 की वैल्यू 1.732 और इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 17.32 मीटर। ये वाली दूरी कितनी आएगी? 17.32 मीटर। पॉइंटों में भी आप निकाल सकते हो। ठीक है भाई, समझ आ गया कंसेप्ट अवनमन कोण का। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। एक नदी के ऊपर एक पुल नदी के तट के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है। यदि नदी के ऊपर पुल की लंबाई 150 मीटर है तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करो। ठीक है, तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करो। देखो पुल किस तरह से है, ये बोल रहे कि नदी के ऊपर एक पुल नदी के तट के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है। नदी के तट के साथ, ये नदी है मान, ये एक पुल है, ये पुल यहां पे कोण बना रहा है कितने डिग्री का? 45 डिग्री का कोण बना रहा है ये पुल। ठीक है, और ये यहां से यहां तक की ये नदी है, ये नदी हो गई। इस नदी के ऊपर पुल है जो तट के साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है? 45 डिग्री का कोण बनाता है। यदि नदी के ऊपर पुल की लंबाई 150 मीटर है, इस पुल की लंबाई कितनी है भाई? यहाँ से यहाँ तक 150 मीटर। तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करो। नदी की चौड़ाई क्या होगी बच्चों? नदी की चौड़ाई ये यहाँ से यहाँ तक होती है। ठीक है, ऐसे नदी की चौड़ाई आपको ज्ञात करो। ठीक, ये नदी की चौड़ाई आपको ज्ञात करनी है। मान लेता हूँ x मीटर, माना नदी की चौड़ाई बराबर x मीटर। ठीक है, तो और थीटा कितना है? 45 डिग्री। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है? टेन थीटा से तो नहीं निकलेगा ये, आपको क्या क्या दिया गया है देखो, ये 90 डिग्री का कोण, ये करण दिया गया है और ये लंब दिया गया है, LA LKKA, लंब बटे करण। क्या लगेगा फॉर्मूला? साइन थीटा लगेगा, साइन थीटा बराबर लंब बटे करण, लंब x करण 150। ठीक है भाई, तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 150 गुना साइन थीटा, या x बराबर 150 गुना साइन थीटा का मान रख दो साइन 45 डिग्री, या x बराबर 150 गुना 1/√2। साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है भाई? 1/√2। ठीक, 1/√2। अब जब अंडर रूट की संख्या हर में आ जाती है तो हमें उसको परिमेयकरण करके हटाना पड़ता है।
एक्स बराबर आएगा 150 बटे रूट दो। हम रूट दो से गुणा रूट दो से भाग करेंगे, इसको बोलते हैं हर का परिमेयकरण। ठीक है, अकेली संख्या है, अगर हर में अकेली संख्या दी गई है तो उस संख्या से गुणा और भाग करके हम हर का परिमेयकरण कर देते हैं। तो बच्चों x बराबर 150 गुणा रूट दो बटे दो, रूट दो गुणा रूट दो, दो हो जाएगा, 150 में दो का भाग लगेगा 75 आएगा, 75 गुणा रूट दो मीटर, 75 गुणा रूट दो मीटर। दिस इज चौड़ाई ऑफ दिस नदी, ये इस नदी की चौड़ाई हो जाएगी। नदी की चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 75 गुणा रूट दो मीटर। आंसर डी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, दो खंभों के शीर्ष जिनकी ऊंचाई 20 मीटर तथा 14 मीटर है, एक तार से जुड़े हुए हैं। यदि तार क्षैतिज रेखा के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है तो तार की लंबाई ज्ञात करो। तो तार की लंबाई ज्ञात करनी है, ठीक है, ओके। दो खंभे हैं, एक 20 मीटर का, एक 14 मीटर का, ऐसे एक बड़ा है एक छोटा है। इसकी हाइट है 14 मीटर, इसकी हाइट है 20 मीटर। यदि तार क्षैतिज रेखा के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, इन दोनों खंभों से एक तार बंधा हुआ है, इस खंभे से इस खंभे तक एक तार बंधा हुआ है, ये तार क्षैतिज के साथ, तो क्षैतिज ऐसे बनेगा, ये क्षैतिज है, इसके समांतर एक रेखा खींच देंगे, ये समांतर रेखा इसके, तो ये है क्षैतिज के साथ तार का कोण, कितना डिग्री दे रखा है 30 डिग्री, ये यहाँ पे बंधा हुआ है तार, ये तार है, ठीक है, ये दो खंभे हो गए आपके, मान लो ये ए बी है और ये सी डी है, तो ए सी एक तार है, ठीक है। यदि तार क्षैतिज के साथ 30 डिग्री तो खंभों की, तो तार की लंबाई ज्ञात करो, तो तार की लंबाई हमें ये वाली लंबाई ज्ञात करनी है, मान लेता हूं x मीटर। माना तार की लंबाई बराबर x मीटर, माना तार की लंबाई कितनी है x मीटर है, ओके। थीटा कितना है 30 डिग्री, और इस वाले बिंदु को मैं मान लेता हूं बिंदु E। तो बच्चों ये जो त्रिभुज बन रहा है ना, वो ये वाला बनेगा ए सी ई, समकोण त्रिभुज, जिसमें ये वाला कोण 90 डिग्री होगा, ये वाला कोण कितना होगा 90 डिग्री, हमें ये वाली डिस्टेंस चाहिए। ये लंबाई पता चल जाए तो हम इस लंबाई से काम चला लेंगे, इस लंबाई से काम चल जाएगा। तो लिखेंगे त्रिभुज ए सी ई में, ए सी ई में सी ई बराबर, CE कितनी होगी देखो, CD माइनस ED, CD माइनस ED, CD माइनस ED, तभी तो ये बचेगी CE। CD कितना है, ये CD है 20 मीटर, और ED कितना है, ये रहा 14 मीटर, ये 14 तो ये भी 14, तो CE बराबर हो गया 20 माइनस 14 है, सी ई बराबर आएगा 6 मीटर के बराबर, इस त्रिभुज में सी ई का मान 6 मीटर आ गया, ठीक है। तब ये त्रिभुज इस तरह से बन गया, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, ये 6 मीटर, ये 30 डिग्री, ये एक्स आपको ज्ञात करना है। समकोण त्रिभुज कौन कौन सी भुजाएं, देखो थीटा के सामने वाली भुजा लंब है और ये करण है, तो लंब बटे करण किसका यूज करेंगे हम, साइन थीटा का यूज करेंगे, साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब 6 बटे एक्स, या एक्स बराबर 6 बाई साइन थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू है साइन 30 डिग्री, ठीक है, या एक्स बराबर 6 बाई साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो एक्स बराबर ये 2 ऊपर चला जाएगा 6 गुणा 2,
12 मीटर। तो तार की लंबाई कितनी हो गई जो इस खंभे से इस खंभे तक बंधा हुआ है एक्स, वो 12 मीटर होगा। कितना? 12 मीटर। इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर अगला, यदि किसी मीनार के आधार से ए तथा बी दूरी पर सरल रेखा पर स्थित दो बिंदुओं के मीनार के शिखर के उन्नयन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री हैं, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। ऐसे कोई मीनार है, इस मीनार के आधार से, ये आधार है, इस आधार पे दो बिंदु बनाने हैं आपको, ए और बी, और ए बी से बड़ा है तो ए ज़्यादा दूर होगा मान लो यहाँ पे, और बी मैं यहाँ मान लेता हूँ, ठीक है। ये दो बिंदु हो गए ए और बी, ठीक है। इनके इनके जो कोण है उन्नयन कोण, इस बिंदु से इस मीनार के शीर्ष को देखा और इस बिंदु से इस मीनार के शीर्ष को देखा, ऐसे ये, ठीक है, ओके। तो बच्चों ये वाला कोण कम होगा, ये ज्यादा होगा, है ना। जैसे जैसे आधार की ओर चलते जाएंगे, इसके इसके बिंदु डी की ओर सरकते जाएंगे, वैसे वैसे कोण बढ़ता जाएगा। और क्वेश्चन में भी क्रम से करके दिया गया है, ए के साथ तो कोण बन रहा है 30 डिग्री का, बी के साथ कोण बन रहा है 60 डिग्री का, ये मीनार की ऊंचाई है, ये एक्स मीटर मान लेते हैं, इसका मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। चलो लिख लेता हूँ मैं, माना मीनार की ऊंचाई बराबर एक्स मीटर, ठीक है। अब यहां पे दो ऐसे त्रिभुज बन रहे हैं जो समकोण त्रिभुज हैं, दो समकोण त्रिभुज हैं, दो उन्नयन कोण हैं। पहले तो त्रिभुज बनेगा सी बी डी, सी बी डी, इसको देखिए, कोई सा त्रिभुज ले सकते हो आप, समकोण त्रिभुज सी बी डी में एक समकोण त्रिभुज ये भी बन रहा है सी ए डी, सी ए डी ये भी एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। पहले मैं इसको सॉल्व करता हूँ, समकोण त्रिभुज सी बी डी में थीटा कितना है, ये वाला है 60 डिग्री, ये मीनार की ऊंचाई आपको दे रखी है, ओके, ये ऊंचाई आपको दे रखी है, तो क्या करें। और कुछ क्वेश्चन में गिवन है, ए और बी के बीच की दूरी ए इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, और कुछ हमें गिवन है, नहीं गिवन है तो छोड़ो, कोई बात नहीं, इन इसमें यहाँ से टेन थीटा निकाल लेंगे, टेन थीटा याद कर लेते हैं, टेन थीटा बराबर, एक दूरी तो इसमें दे रखी है ना, नहीं और कोई दूरी नहीं दे रखी, ठीक है, कोई बात नहीं, ये वाली दूरी तो हमें दे रखी है ना बी, ये बिंदु बी है, ये इसको ऐसे मानो आप, इसको बिंदु मान लो, ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, ये वाली दूरी है बी के बराबर, ठीक है। ऐसे दिया गया ना क्वेश्चन में कि दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के आधार से ए व बी दूरी पर, हाँ इसको कैपिटल बी मान लो, इसको कैपिटल ए मान लो, ये वाली दूरी तो बी के बराबर है और ये वाली दूरी ए के बराबर है, तो टेन थीटा, ये वाला त्रिभुज कौन सा हो जाएगा, बी सी डी, त्रिभुज बी सी डी में थीटा 60 डिग्री, अब टेन थीटा निकाल दो, ये और ये दूरी लंब बटे आधार, तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा एक्स बटे बी, थीटा कितना है 60 डिग्री, तो टेन 60 डिग्री बराबर एक्स बटे बी, ठीक है, एक्स बटे बी, तो भाई एक्स का मान आ जाएगा टेन 60 डिग्री गुना बी के, तो एक्स बराबर हो गया, टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है, टेन 60 डिग्री का मान होता है रूट थ्री इंटू बी के बराबर आया, रूट थ्री इंटू बी आ गया,
अब आप ये वाला त्रिभुज लीजिए, त्रिभुज ए सी डी में थीटा है 30 डिग्री, तो टेन थर्टी डिग्री बराबर देखो लंब x और आधार a बराबर x बटे a होगा। यहाँ से आप लिखेंगे x बराबर a गुणा टेन थर्टी डिग्री, तो x बराबर हो जाएगा a गुणा टेन थर्टी का मान एक बटे रूट तीन। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर एक। ये इक्वेशन नंबर दो देखो, ये इक्वेशन नंबर एक से भी आपने x का मान ज्ञात किया, इक्वेशन नंबर दो से भी x का मान ज्ञात किया, दोनों को बराबर कर लेते हैं, क्योंकि दोनों ही किसके मान हैं, दोनों ही x के मान हैं, और मीनार की ऊंचाई x ही हमें ज्ञात करनी है, तो x ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को गुणा कर देंगे, समीकरण एक गुणा समीकरण दो से गुणा कर दो, x गुणा x हो के एक्स स्क्वायर बराबर इधर आ जाएगा रूट तीन बी गुणा एक बटे रूट तीन ए, रूट तीन से रूट तीन कट गया, तो एक्स स्क्वायर बराबर बचेगा ए बी के, एक्स स्क्वायर बराबर ए गुणा बी, और x बराबर आएगा अंडर रूट ए बी मीटर। आंसर कितना आया, x बराबर अंडर रूट ए बी, दे रखा है कोई ऑप्शन, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके ठीक है भाई, दो त्रिभुज दो समीकरण, दोनों को गुणा किया, ऊंचाई ज्ञात कर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर आठवा। 25 मीटर ऊंचे एक खंभे के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण तथा मीनार के पाद का अवनमन कोण समान है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। देखो एक तरफ तो मीनार है, ये मान लो ए बी, एक मीनार है, फिर एक खंबा है, ये खंबा हो गया सी डी ऐसे। अब क्वेश्चन में समझिए, क्या कहता है, 25 मीटर ऊंचे एक स्तंभ के शीर्ष से, ये स्तंभ है मतलब ये खंबा मतलब स्तंभ, इसकी ऊंचाई दे रखी है आपको 25 मीटर, इसके शीर्ष से 25 मीटर ऊंचे स्तंभ के शीर्ष का उन्नयन कोण और मीनार के शीर्ष से, एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, इसका उन्नयन कोण मीनार के शीर्ष से दे रखा है, ये है ये वाला ये थीटा है, तथा मीनार के पाद का अवनमन कोण समान है, मीनार के पाद का अवनमन कोण ये है, ये यहां देखिए अवनमन कोण ये वाला होगा, ये दोनों समान है। ठीक है, दोनों समान है। डायग्राम कुछ अलग है, इसको ऐसे बनाओ, एक मिनट, वन मोर टाइम। मीनार ऐसे बना लो, स्तंभ ऐसे बना लो, 25 मीटर इसकी हाइट है, ठीक है, इसका देखो किसका क्या, 25 मीटर ऊंचे एक स्तंभ के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, तो ये मीनार है, इस मीनार के शीर्ष का स्तंभ के शीर्ष से उन्नयन कोण ये वाला, यहाँ पे आप क्षैतिज रेखा खींच दीजिए, तो ये कितना डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा, थीटा 30 डिग्री दे रखा है, ठीक है, ये मीनार है एक स्तंभ। अब आगे बोला कि मीनार के पाद का अवनमन कोण, मीनार के पाद का अवनमन कोण, मीनार कहाँ पे है, ये इसका अवनमन कोण तो यही आएगा इसके शीर्ष के साथ, ये
ये है मीनार के बाद का अवनमन कोण। अवनमन कोण तो ये वाला कोण होता है, है ना। हम यहाँ से वस्तु को, यहाँ से वस्तु को देखें, मीनार के पाद को, यहाँ हमारी आँख है, यहाँ आँख है, और मीनार के पाद को देखें तो दृष्टि रेखा ये हो गई और क्षैतिज रेखा ये हो गई, तो ये वाला कोण भी कितना दे रखा है, समान दे रखा है। एक्चुअल में इसकी वैल्यू नहीं दे रखी है, ये थीटा डिग्री दे रखा है, ये भी थीटा और ये भी थीटा डिग्री दे रखा है। समझ में आ गई बात। तो इस बिंदु को ए मान लो, इसको बी, इसको सी, इसको डी, इसको ऐसे ये नाम दे दिए मैंने। अब आपको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ये वाली ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। एक्स मान लेता हूँ इसको। माना मीनार की ऊंचाई बराबर एक्स मीटर, ठीक है। यहां पे बच्चों एक समकोण त्रिभुज तो यहां बन रहा है, ये थीटा, तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा। ओके, तो इस त्रिभुज में देखते हैं, त्रिभुज बी ए ई में, बी ए ई में ये थीटा, इसके सामने वाली भुजा ये लंब, ये 90 डिग्री का कोण, इसके सामने वाली भुजा ये करण, ये आधार, तो लंब बटे आधार टेन थीटा हो जाएगा। टेन थीटा बराबर हो जाएगा 25 बटे आधार कितना है इसका, बी ई, 25 बटे बी ई लिख सकते हैं। टेन थीटा बराबर 25 बटे बी ई, या यहाँ से बी ई ज्ञात करो, बी ई बराबर हो जाएगा 25 गुना टेन थीटा, ठीक है ना, 25 गुना टेन थीटा, क्योंकि मीनार का जो आधार है ना वो दोनों के लिए सेम रहेगा, मीनार का आधार दोनों के लिए क्या रहेगा, सेम रहेगा। ओके, आगे देखें, ये वाला कौन कितना है, थीटा, तो भाई ये पूरी दूरी कितनी हो गई, एक्स, एक्स हो गई, तो ये ऊंचाई कितनी बचेगी, त्रिभुज दूसरा देखिए, त्रिभुज ए सी डी में, ए सी डी में सी डी दूरी ज्ञात करो, पहले तो दूरी सी डी, दूरी सी डी कितनी आएगी, टोटल ऊंचाई सी ई माइनस डी ई जो कि 25 है, तो x माइनस 25 के बराबर हो जाएगी ना, सीधी बराबर, टोटल ऊंचाई x है और ये यहाँ से यहाँ तक ये 25 है, तो x में से 25 माइनस करो, ये ऊंचाई निकल के आएगी सी ई के बराबर, किसके बराबर, सी डी के बराबर, ठीक है। इसमें थीटा ये है, इसमें आधार ए डी है, तो इसमें भी टेन थीटा निकालो, टेन थीटा बराबर हो जाएगा लंब, लंब तो हो गया सी डी, x माइनस 25 बटे आधार कितना हो गया, ए डी, ठीक है। चूंकि ए डी आधार है और इसमें बी ई आधार है, दोनों बराबर हैं, ए डी और बी ई कैसे होंगे, बराबर होंगे। यहाँ पे मैं ए डी निकाल लेता हूँ, पहले ए डी बराबर हो जाएगा x माइनस 25 गुना टेन थीटा, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर वन, दिस इज इक्वेशन नंबर टू, ठीक है। चूंकि अब इसको मिटा देते हैं, डायग्राम को मिटा रहा हूँ मैं, यहाँ लिखता हूँ मैं, चूँकि ए डी बराबर होगा बी ई के, इसलिए समीकरण एक और समीकरण दो भी, इसलिए समीकरण एक बराबर समीकरण दो के, तो समीकरण एक का मान है 25 गुना टेन थीटा बराबर, समीकरण दो का मान हो जाएगा x माइनस 25 गुना टेन थीटा, टेन थीटा टेन थीटा कट गया, तो 25 बराबर आएगा x माइनस 25, 25 को इधर ले आओ तो x बराबर हो जाएगा 25 प्लस 25, तो x बराबर आ जाएगा 50 मीटर। x किसका मान है, x किसका मान है, मीनार की ऊंचाई का मान है, मीनार की ऊंचाई का मान है जो कि 50 मीटर आता है, कितना आता है, 50 मीटर। इसमें आंसर कौन सा सही है, इसमें आंसर सही है आपका डी, आंसर डी इज करेक्ट, आंसर डी इज करेक्ट। ओके, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया, चलिए एक और क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9,
देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में आपको लिखा है, एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई इसकी छाया की लंबाई का अनुपात 1:√3 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करो। एक ऊर्ध्वाधर छड़ ऐसे, ये छड़ हो गई, ये इसकी छाया बन गई, ठीक है। यहाँ से सूर्य है, सूर्य का ये उन्नयन कोण, ये अरे भगवान ऐसे, ये सूर्य का उन्नयन कोण हमें कितना दिया है, पूछा है, ये उन्नयन कोण हमें ज्ञात करना है, ठीक है भाई। ये थीटा हमें ज्ञात करना है, ये ए बी सी ऐसी छड़ है, ठीक है, ये इसकी छाया है। तो ए बी बटे सॉरी आपको दिया गया है छड़ और छाया का अनुपात, किस किस का अनुपात दिया गया है, इसकी छड़ की लंबाई और इसकी छाया का अनुपात। छड़ की लंबाई तो है ए सी और छड़ की छाया है ए बी, बराबर है 1/√3, 1:√3 मतलब 1/√3। तो बच्चों थीटा के सामने वाली ये भुजा क्या हो गई, लंब, और ये हो गई आधार, तो लंब बटे आधार दिया गया है, त्रिभुज से लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज ABC से टेन थीटा कितना होगा, टेन थीटा बराबर हो जाएगा AC बटे AB, लंब बटे आधार, और AC बटे AB कितना है, 1/√3। तो चूंकि टेन थीटा बराबर AC बटे AB, इसका मान है 1/√3। अब टेन थीटा का मान 1/√3 कितने डिग्री पे होता है, 30 डिग्री, चूंकि टेन 30 डिग्री बराबर होता है 1/√3, इसलिए थीटा कितना हो जाएगा 30 डिग्री, थीटा कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 30 डिग्री, आंसर नंबर ए इज करेक्ट। ओके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, एक पहाड़ी का ढलान क्षैतिज से 60 डिग्री का कोण बनाता है। एक पहाड़ी का ढलान क्षैतिज से 60 डिग्री का कोण बनाता है, तो भाई पहाड़ी तो ये हो गई, ये ढलान क्षैतिज से ये वाला 60 डिग्री बना रहा है, ठीक है। यदि शिखर तक पहुंचने में 500 मीटर चलना पड़ता है, यहाँ से चले ऐसे टक 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 टक, ये शिखर पे पहुंच गए, कितनी दूरी चलनी पड़ी, 500 मीटर, तो ये हाइट कितनी हो गई, 500 मीटर। तो पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात करो, पहाड़ी की ऊंचाई ये है, ऊंचाई पहाड़ी की ये ज्ञात कर लिया, ठीक है। माना पहाड़ी की ऊंचाई बराबर एक्स मीटर, ठीक है, थीटा कितना है 60 डिग्री, ये त्रिभुज बना लो ABC, त्रिभुज ABC में कौन सा त्रिभुज है, वैसे समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज ABC में टेन 60 डिग्री से नहीं निकलेगा, ये लंब है और ये कर्ण है, तो साइन 60 का वैल्यू लेना पड़ेगा, साइन 60 डिग्री बराबर हो जाएगा x बटे 500। तो बच्चों साइन 60 का मान होता है √3/2 बराबर x/500, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 500 × √3/2 बराबर x, 2 से काटो, 250 × √3 बराबर x, x का मान कितना आ गया 250 × √3, है कोई आंसर, यस आंसर सी इज करेक्ट। तो बच्चों इस तरह से मैंने आपको एक्सरसाइज 8 के 10 क्वेश्चन करवाए हैं, क्वेश्चन 1 से लेकर 10 तक ये सारे ऑप्शनल क्वेश्चन थे, लेकिन उनको सोल्व तो रेगुलर क्वेश्चन की तरह ही करना पड़ा हमें, ठीक है। आपको सारे वैरायटी के क्वेश्चन इसमें मैंने करवा दिए हैं, और इसके बाद के क्वेश्चन आप करने की कोशिश करिए, 11 से आगे जो भी क्वेश्चन है, फिर भी नहीं आते हैं तो हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन को कराने की कोशिश करेंगे, तब तक पढ़ते रहिए, थैंक यू।